आपके बचपन को फिर से जिंदा करने वाले वीडियो में स्वागत है आपका। इस लिस्ट की तीसरी मूवी मेरे बचपन और दिल दोनों के बहुत ज्यादा करीब है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, एक ऐसा समय जब समंदर पर भयानक और विशाल मॉन्स्टर्स का राज था। मॉन्स्टर हंटर्स जो बड़े जहाजों पर सवार होकर इन मॉन्स्टर्स का शिकार करते हैं, लोगों के चहेते हीरोज कहलाते हैं। वे सबसे मशहूर है जेकब हॉलैंड। वहीं दूसरी तरफ है मेज ब्रम्बल नाम का एक बच्चा जिसका सपना है एक मॉन्स्टर हंटर बनने का, और ये सपना साकार होता है जब ब्रम्बल को मौका मिलता है एक जहाज पर सवार होने का। लेकिन मॉन्स्टर्स को कम समझने की गलती पड़ जाती है सफर भारी और ब्रम्बल को बहा ले जाती है बहुत दूर। लेकिन इस नए सफर में ब्रम्बल को एक ऐसा दोस्त मिलने वाला है जो उसकी पूरी सोच बदल कर रख देगा। क्या समुद्र के ये मॉन्स्टर्स सच में खतरनाक हैं, या ये बस लोगों को डरा कर रखने के लिए बनाई गई एक कहानी है। मूवी का नाम है द सी बीस्ट। ये मूवी इस लिस्ट की सबसे सस्पेंस भरी मूवी है। नंबर 4, बर्ड आइलैंड। जहाँ सारे पक्षी एक दूसरे के साथ बड़ी खुशी और शांति से रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ है रेड, जिसकी खासियत है गुस्सा होना। क्योंकि एक बार जो रेड को गुस्सा आ गया तो वो अपने आप की भी नहीं सुनता। बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेड को भेजा जाता है गुस्सा भगाओ शांति जगाओ अभियान में। जहाँ रेड की मुलाकात होती है उसी के जैसे अजीब अलग और दिमाग से खसके हुए बर्ड से। अब ये कहानी बदलती तब है जब बर्ड आइलैंड पर एंट्री होती है हरे भरे पिगीज की, जो बर्ड्स को मस्ती करने और साथ में डांस करना सिखाते हैं। लेकिन इन पिगीज का प्लान है इन बर्ड्स के सारे अंडे चुराना और अपने आइलैंड पर ले जाना, जिसका आइडिया रेड को छोड़कर किसी बर्ड को नहीं मिलता। बस यही कांड रेड को पूरे बर्ड आइलैंड का कैसे हीरो बना देगी आपको मूवी के अंदर पता चल जाएगा। ये मूवी बड़े से बच्चे हर कोई एंजॉय कर सकता है। मूवी का नाम है दी एंग्री बर्ड्स। नंबर 3, पूरा घर तहस नहस करने पर टॉम और जेरी जब दोनों को घर से धक्के मार कर निकाल दिया जाता है तो दोनों को सोल्यूशन दिखता है टीवी की एड में। अब दोनों अपनी खटारा गाड़ी लेकर पहुंच जाते हैं कंपनी के पास। कंपनी दो चूहे बिल्ली को परमिशन दे देती है रेस के अंदर जाने की। रेस में आखिर कौन कौन है? एक खूंखार दादी और उनका खूंखार कुत्ता, एक वैन वाली आंटी, एक खुद में खोया सुपरस्टार, एक दूसरे ग्रह से आया शैतान, और ऑफ कोर्स टॉम और जेरी। एक और कंटेस्टेंट था लेकिन जाने दो। इस रेस की मंजिल है मेक्सिको। इन शो की बढ़ती टीआरपी और पॉपुलैरिटी देखकर रेस को मेक्सिको से अफ्रीका, अफ्रीका से अंटार्कटिका और अंटार्कटिका से ऑस्ट्रेलिया पहुंचा देते हैं। अब ये तो मूवी में पता चलेगा लास्ट में जीतेगा कौन। ये मूवी मेरे हिसाब से टॉम और जेरी की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, इसीलिए तो इस लिस्ट में है। नाम है टॉम एंड जेरी द फास्ट एंड द फ्यूरी। नंबर 2, मछलियों की दुनिया का अंडरवर्ल्ड। ये कहानी है उस हादसे की जो बना देती है एक फट्टू मुमफट बड़बोले फिश ऑस्कर को समुद्र के अंडरवर्ल्ड की सबसे खौफनाक मछली। एक खतरनाक शार्क माफिया डॉन के बेटे की लाश जब मिलती है तो पूरे अंडरवर्ल्ड ही नहीं पूरे समुद्र में तहलका मच जाता है। और जब उस लाश के पास ऑस्कर मिलता है तो ऑस्कर की पॉपुलैरिटी पूरे समुद्र में फैल जाती है। लेकिन इस पूरे झमेले में ऑस्कर तब फंसना शुरू होता है जब उसके बड़बोले मुंह से निकलता है कि शार्क के बेटे को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। पूरे समुद्र ऑस्कर शार्क मारने वाले के नाम से फेमस हो जाता है। मगर ऑस्कर को जल्द पता चलने वाला था कि समुद्र में छोटी मछलियां सिर्फ बड़ी मछलियों का खाना बनती हैं। मूवी का नाम है शार्क टेल। नंबर 1, बचपन से सुपर हीरो बनने का सपना। जिसके पास पावर वो बनेगा हीरो, मगर अपने कैरेक्टर के पास है तेज दिमाग। लेकिन दिमाग का क्या काम जब दुनिया के लोग हीरो को हीरो तभी मानेंगे जब उसके पास पावर हो। तो हमारा दिमाग वाला बंदा हीरो बनने के बजाय बनता है एक सुपर विलन। मगर अपने बचपन के दुश्मन और दुनिया के सबसे शक्तिशाली हीरो को हराने के बाद जब हमारा विलन बोर होने लगता है तब वो बनाता है एक नया दुश्मन। लेकिन ये दुश्मन दुनिया को बचाने में नहीं बल्कि दुनिया को खत्म करने में इंटरेस्टेड है। तो हमारे विलन को पहली बार मौका मिलता है दुनिया बचाने का। ये मूवी सच में आपका दिल जीत लेगी। मूवी का नाम है मेगामाइंड। ऐसी ही 5 एडवेंचर मूवीज जिसे देखकर आपका दिन बन जाएगा आपको राइट में दिख रही होगी।